शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने रचाई थी सचिन वीवीएस लक्ष्मण से निकले आगे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया ये बड़ा कारनामा। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में गिल अय्यर की जोड़ी ने कौन सा इतिहास रचा है, कैसे सचिन वीवीएस लक्ष्मण से आगे निकल गए हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में सब कुछ पूरी विस्तार से पूरी डिटेल में। दोस्तों अगर आप भी गिल अय्यर की विस्फोटक बल्लेबाजी से खुश हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की जोड़ी ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। दोनों ही खिलाड़ियों ने इस मैच में शतक ठोका जिसकी बदौलत भारत बड़े स्कोर तक पहुंचने में कामयाब हुआ। सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 92 गेंदों में तो वहीं श्रेयस अय्यर ने 86 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। हालांकि दोनों बल्लेबाज शतक पूरा करने के बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके और पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल के बीच दूसरे विकेट के लिए 146 गेंदों में 200 रनों की साझेदारी हुई जो कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में किसी भी विकेट के लिए चौथी सबसे बड़ी साझेदारी है। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी करने का रिकॉर्ड वीवीएस लक्ष्मण और युवराज सिंह के नाम है। दोनों के बीच 2004 में सिडनी में 213 रनों की साझेदारी हुई थी। इसके बाद विराट कोहली और शिखर धवन के बीच 2016 में 112 रन की साझेदारी हुई थी और विराट कोहली रोहित शर्मा ने 2016 पर्थ में 207 रन जोड़े। वहीं श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने 2023 में इंदौर में 200 रन जोड़े। सचिन तेंदुलकर और वीवीएस लक्ष्मण के बीच 2001 में 199 रन की साझेदारी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर में खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में श्रेयस अय्यर 90 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए। वहीं शुभमन गिल ने 97 गेंदों में 104 रन की पारी खेली, उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के जड़े। तो दोस्तों आप भी अय्यर गिल की इस बेहतरीन पारी और इस रिकॉर्ड पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।